हेलो गाइस, आज हम इस आलिया कट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग दोनों शेयर करेंगे। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। मेरे फैब्रिक का अरस ज़्यादा है तो आप इसके लिए 3 मीटर फैब्रिक लें, और मैंने ये लेस ले ली है। सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। टॉप की लेंथ मुझे 14 इंच लेनी है, तो मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी, 15 इंच पर निशान लगाऊँगी, और फिर इसका शोल्डर का निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे। आधा इंच हम नीचे की तरफ इसको डाउन कर लेंगे। इसका आर्म होल का निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे, और फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसका ब्रेस्ट साइज हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ भी हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, और फिर इसकी कमर हम 8 इंच लेंगे। फिर इन दोनों को हम मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। फिर यहाँ पे हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है, और इसको इस तरीके से गुलाई में शेप दे देना है। 1 या 1.5 इंच का इसका मार्जिन छोड़ेंगे हम। मार्जिन का निशान भी हमने लगा लिया है। इसका बैक वाले आर्म होल का भी निशान हमने लगाया है। जो हमारा गहरा वाला है वो हमारा फ्रंट का है, और जो थोड़ा उससे ऊपर को निशान है वो हमारे बैक का है। इसकी कटिंग मैंने कर ली है, तो अंदर वाला पीस हम निकाल देंगे जो हमारा बैक पार्ट है, और फ्रंट वाले को हम और गहराई देके इसको कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये वाला हमारा बैक पार्ट है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम 1/2 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इसको कट कर लेंगे। फिर हमें फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है इसका। इसके सेंटर में हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरीके से हमें स्केल को रखना है, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ये तिरछी लाइन हमारी बन गई है, और इसको हमें कट कर देना है। इसकी कटिंग करने के बाद हमें बॉटम की लेंथ 44 इंच लेनी है, 44 इंच। तो हमने बॉटम के लिए फैब्रिक ले लिया है। अब हम 14 इंच टॉप पार्ट है हमारा, तो 14 इंच छोड़ के इसको नापेंगे। तो हमने 46 इंच लिया है, 46 इंच क्योंकि 2 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड किया है। अब इसका घेर जो है नीचे का वो हम 40 इंच लेंगे, तो 40 इंच पर निशान लगा लेंगे। बाकी का फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की तो कटिंग हो गई है, अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने फैब्रिक लिया है, तो 14 इंच हमारा टॉप पार्ट है, और हमने यहाँ से 4 इंच कट कर दिया है। तो हमें इसमें बॉटम पार्ट में 4 इंच ऐड करना है। तो हमने बैक वाले बॉटम पार्ट की लेंथ जो है वो 46 इंच ली थी, अब इसमें 4 इंच ऐड करेंगे तो 50 इंच हो जाएगी। तो हम इसमें भी 14 इंच छोड़ के नापेंगे, तो 50 इंच पर निशान लगाएंगे, और बाकी का फैब्रिक इसको हम कट कर देंगे। अब इसका घेर भी हमें 40 इंच लेना है। घेर हमें दोनों का बिल्कुल बराबर रखना है, तो हम 40 इंच पर निशान लगाएंगे, बाकी का फैब्रिक कट कर देंगे। अब इसको हमने फोल्ड करके रखना है, डबल करके इस तरीके से। डबल करके रखने के बाद अब हमें इसमें ध्यान देना है। ये जो हमारा इधर साइड का है यहाँ पर हमें निशान लगाना है 4 इंच पर। 4 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें तिरछा रखते हुए लाइन बना लेनी है। लाइन बनाने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी इसमें प्लेटें बनेंगी। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है, स्लीव्स की कटिंग अभी बाकी है। तो हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है। स्लीव्स की लेंथ 18 इंच ली है। साइड में हमें इसमें ज्वाइंट लगाना है, तो इसको हम बाद में देखेंगे।
अब गला कट करेंगे तो गले के लिए मैंने बुकरम को फोल्ड करके रखा है। गले की लेंथ मैंने 6 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। हमें इस तरीके से इसमें वी शेप का गला बनाना होगा। तो फिर हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ भी इस तरीके से हमें लाइन बना लेनी है। फिर इसको हम कट कर देंगे, जैसे हमारे निशान लगे हैं वैसे ही हमें इसको कट कर देना है। गले को कट करने के बाद मैंने फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक पर हमें गले को अच्छे से रखना है। अगर आपका पेस्टिंग बुकरम है तो आप इसको प्रेस से लगा सकते हैं। मेरा पेस्टिंग नहीं है तो मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। बुकरम की किनार पर सिलाई लगानी है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। इस पर सिलाई लगाने के बाद इसका फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसके सेंटर में हमें गले के इस तरीके से निशान लगाना है और हमें इस टॉप के सेंटर में रख के इसको पिनअप करना है। पिनअप करने के बाद मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई हमें बिल्कुल बुकरम की किनार पे लगानी है। सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें कट लगाना है। इस पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं हमें। फिर इसको हम पीछे की तरफ करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसका बॉटम पार्ट ले लिया है। फिर यहाँ पे हमें बकिये को लंबा करके रखना है और इस पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। फिर एक बार इस पर सिलाई हम और लगाएंगे, बकिये को लंबा करके ही रखना है। फिर हमने बैक वाला पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट पे भी हमें इस तरीके से बकिये को लंबा करके ही सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें धागा खींचना है। इस वजह से इस पर भी हम डबल ही लगाएंगे। अब हम इसका धागा खींचेंगे। धागा खींच के प्लेटें डालेंगे। तो इस तरीके से हम धागे को खींचेंगे, प्लेटें अपने आप से बनाएंगी। एक तरफ का हमारा धागा खींच गया है। फिर अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से धागे को खींचेंगे। तो हमारी ये प्लेटें बन गई हैं। अब हमने इसका टॉप पार्ट लिया है। इस तरीके से हमें इसको रखना है। फिर हमने इसको उल्टा करके रख के इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसको हम बीच से रखेंगे। बीच से रख के हमें इस पर सिलाई लगानी है। पहले एक साइड जोड़ लेंगे, बाद में दूसरा साइड जोड़ेंगे। सिलाई को हमें डबल लगाना है, क्योंकि सिंगल सिलाई जो है बहुत जल्दी उधड़ जाती है। अब हमें बैक पार्ट को भी इसी तरीके से जोड़ना है। तो बैक पार्ट को भी हमने जोड़ लिया है। अब मैंने ये लैस ले ली है, तो लैस को हमें इस तरीके से लगाना है गले पे। तो पहले हम टॉप पार्ट के सेंटर में निशान लगाएंगे। अब हमने लैस को इस तरीके से गले पे रखा है।
इसको हम लगाते जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरीके से लैस को थोड़ा सा घुमा के रखना है। फिर अब हमें यहाँ पर भी इस तरीके से लैस का कोना बनाते हुए लैस को लगा लेना है। अब यहाँ भी हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है इस कोने पे, ऊपर वाले पे नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लैस को लगा लेंगे। लैस को अच्छे से सेट करते जाएंगे और इसको हम लगाते जाएंगे। यहाँ भी हमें इसका कोना बना लेना है। लैस हमारी लग गई है। अब मैंने ये गोटा पत्ती लैस ले ली है, तो हमें 4 इंच का बॉर्डर बनाना है। तो 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस लैस के साथ हमें गोटा पत्ती को लगाना है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें 4 इंच पर जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमें लैस को लगाना है। लैस को हम अच्छे से सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। लैस को लगाने के बाद फिर मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है और दूसरा निशान भी 1 इंच पे है। अब यहाँ पर इस सिक्किया को रखेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी सिक्किया को भी रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। इसको लगाने के बाद अब हम पहले इसको लौट लेंगे। इस पे इसको लौट के हमें सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई नहीं करेंगे इसमें, हम मशीन से ही सिलाई लगा लेंगे। अब मुझे ये दूर दूर लग रही है, तो इसके बीच में मैं एक एक और लैस को लगा लूँगी। तो मैंने 4 ये गोटा पत्ती लैस लगाई है। बाद में मैंने जो गले पे लैस लगाई है वो लगाई है। अब मैंने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख दिया है। ये जो हमने फिटिंग वाला निशान हमारा पहले का लगा हुआ था, तो हमें 13 इंच इसके चाक लेने हैं। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही हमें निशान को लगाना है। तो इसके ऊपर रख के हम, ये देखिए हमारा निशान छप गया है यहाँ पे। अब यहाँ भी हम इसको नापेंगे, 13 इंच का चाक रखना है हमें। और यहाँ भी हमें 1 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से लाइन बना लेनी है। इसको मैंने पिनअप कर दिया है। अब हमें कंधे का पर निशान भी लगा के इसको भी पिनअप कर लेना है। इसको पिनअप करने के बाद अब हम कंधे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हम डबल लगाएंगे, पूरी कुर्ती में हमें डबल सिलाई लगानी है। अब हम दूसरी कंधे पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पिनों को हटाते जाएंगे, सिलाई को लगाते जाएंगे। अब दूसरी साइड भी हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद अब बैक वाले गले की हम का निशान लगाएंगे। बैक वाले गले का इसकी लेंथ मैंने 3 इंच ली है। गले को कट करने के बाद मैं आड़ी पट्टी कट कर रही हूँ, जो इस तरीके से मैंने कपड़े को रखकर 1 इंच चौड़ी कट की है। अब इस पट्टी को हमें डबल करके रखना है इस गले पर, और इस तरीके से हम पट्टी को लगा लेंगे।
पट्टी को लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे। अब हमें जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हमें लॉट लेना है, निशान लगा के कि कितना लौटना है, उसको लौट के हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें चाक लौटने हैं तो हमने ऊपर 1 इंच लिया था तो नीचे से भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से रखते हुए लाइन बना लेंगे। चाक पे रखा है मैंने और इस वाले साइड भी इस तरीके से रख के लाइन बना लेना है। फिर इसको हम लौट लेंगे। फिर अब हमें इस तरीके से इसको यहाँ पर सिलाई करते हुए दूसरे चाक पे आ जाएंगे। तो दोनों चाकों को मैंने लौट लिया है। फिर मैंने ये स्लीव्स भी बना ली है। अब स्लीव्स को हम सीधा करके रखेंगे और इस तरीके से इन दोनों सिलाइयों को बिल्कुल हमें मिला के रखना है। इसको मिला के रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब दोबारा से जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसके ऊपर हमें नहीं चढ़ाना है, वहीं से हम पीछे की तरफ लौट आएंगे। अगर उसके ऊपर चढ़ा के हम सिलाई करेंगे तो वहाँ पर अजीब सी झोल बन जाती है। इस तरीके से कुर्ती हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आपको ये कुर्ती पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।